और मैं ताजियादार हूँ, मैं अजादार हूँ। ताज क्या बात है, वैसे भाई साहब कहा बता, ताज हुआ तो ऐसा बोले कि कलेजा तुम्हें फट जाए। बेचारे भाई साहब कमरियाबाग के कब्रिस्तानों का कलेजा तक तका उठा कि देखो भाई देखो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया कमरियाबाग। वैसे भाई साहब कहा बता, नहीं मोड़ कि हमको जान से मार देने की धमकी मिलती है। बाकायदा भाई साहब नगर कोतवाली में FIR दर्ज कराए। मामला सुनने के बाद भाई साहब हड़कंप मच जाएगा, भयभीत हो जाओगे। हम तो भाई साहब थरथरा उठे। कमेटी कब्रिस्तान को बदनाम करने की गरज से धमकी दी थी, और चूँकि पत्रकार हैं तो पत्रकार होने के नाते उन्होंने यानी कहा कि हर महीने मुझे पैसा दिया जाए, नहीं तो हम आपकी ये बाइक चलाते रहें, जिस पर जान से मार डालने की धमकी दी और भद्दी भद्दी गालियाँ दी और अनर्गल बयान दिए थे। इसलिए उनके खिलाफ़ मैंने कमरियाबाग कब्रिस्तान की कमेटी से राय लेकर उनके खिलाफ़ थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है और मानहानि दावे के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। कमरियाबाग एक कमेटी रजिस्टर्ड कमेटी है, उस कमेटी के बयान लेना आपको ज़रूरी था कि आपके खिलाफ़ ये सबूत मिले हैं या आपके खिलाफ़ ये प्रूफ मिला है, आपका क्या कहना है। उन्होंने एक पक्षीय बयान चला दिया जो सारे लोगों में फैला, तो उसके बाद मैंने इतवार को यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वाकया पूरा बताया है कि क्या वाकया थी असल में, कि दो पत्रकार आपस में मिल गए और सिर्फ कमेटी को बदनाम करने की गरज से ये कार्य कर रहे हैं, बाकी और इनका कोई मकसद नहीं है। कब्रिस्तान को कायम किया है, आज कमरियाबाग कब्रिस्तान दूसरे जनपदों में मशहूर है कि अगर देखना हो तो बाराबंकी का कमरियाबाग कब्रिस्तान देखिए। और खबर देखनी है तो भाई साहब CMC के देखिए, बहुत है मशहूर है। वैसे भाई साहब कहा बताएं, आगे ताजवा बोले कि देखो भाई देखो FIR तो दर्ज हो गई है, बहुत बड़े वाले ठग हैं, हमारी छवि को धूमिल करते हैं, हम तो भयभीत हो गए। सुन लो भैया, अरगल बातें करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं, आपसी भाईचारे को खतरा पहुँचाने का काम करते हैं, उनकी बात क्यों इतना मानी जाए। जिनको सियासी समुदाय ने खुद ही अपने कर्बला में उतोल ली थे उनको निकाल दिया गया, ऑलरेडी वो खुद डिफाल्टर हैं, भारतीय स्टेट बैंक सट्टी बाजार में दूसरे नंबर पे उनका नाम लिखा हुआ है, ऐसे कई गमन उन्होंने किया है और वो हमारी कमेटी के ऊपर तोहमत लगाते हैं। हम क्या उम्मीद पाएँ, जीरो ग्राउंड से रिपोर्ट दिखाते हैं, अपनी जान पे खेल के दिखाते हैं, ये मैसेज के जरिए और उसके जरिए ये बांटने का काम करते हैं, इनको कैसे हम पत्रकार एसोसिएशन से जल्दी हमारी पूरी कमरियाबाग कब्रिस्तान और तमाम मुक्ति आरिन कारी मौलाना सब मिलेंगे और इस पर हम उन पर कंप्लेन करेंगे। हमारे तमाम पेपर हमारे खिलाफ़ कभी हमारे जब हमारी कमी होती है निकालते हैं और जब अच्छाई होती है अच्छाई निकालते हैं। क्या ये अच्छे कामों में कहीं नज़र आए, कहीं ये लॉकडाउन में कहीं पे एक बोतल पानी बांटते नज़र आए, कहीं पे किसी को मास्क बांटते नज़र आए, ये इनकी मनगढ़ंत कहानी है, ये बौखलाए हुए पूरी तरीके से हैं। इनका पूरा जनपद जानता है कि पूर्व के कप्तान साहब ने इनके साथ क्या किया, उससे पूर्व के कप्तान साहब ने क्या किया, ये तो अलग-अलग बातें करते हैं। मुकदमा लिख रहा तो ये हम लोगों के ऊपर फर्जी बयानबाजी कर रहे हैं और आरोपी बता रहे हैं, हमारे सामने बैठ जाए। जो मुकदमे हमारे राजनीतिक मुकदमे हैं उससे हमें कोई इतराज नहीं, राजनीतिक मुकदमे हर आदमी के ऊपर थे, उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री तमाम ऊपर होते हैं और हम लोग सभी का सम्मान करते हैं। हमारे माननीय जिलाधिकारी SDM साहब जैसे कोविड के अंदर और तमाम चीज़ों में उन्होंने अच्छी पहल की, उनका सम्मान है। ये अलग अलग बातें करके पुराने वीडियो दो दो साल तीन तीन साल उसको ऐड करके काट पीट छान करके आवाज़ दूसरे की है वो दूसरे की है, ये अपने बचाव के लिए कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने इनके लिए पूरी तैयारी कर ली है, ऐसा कोई जिले के अंदर सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। हम यहाँ से लगा के लखनऊ तक, हमारे लखनऊ में मौलाना रशीद फिरंगी महली से भी बात हुई है, वक्त बोर्ड चेयरमैन से बात हुई है, तमाम उच्च लोगों से बात हुई, ज़रूरत तो पड़ी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर अपनी बात रखी जाएगी और उसमें हम कहीं पीछे नहीं। सच बात को पहुँचाने के लिए कोई नहीं, हमारे इस्लाम के अंदर है प्रधान से लगा के प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधान गाँव का, जो भी जीत के आया मतों से हमें उसका सम्मान करना है और उसका साथ देना है, उसका आदर करना है और उससे अपनी बात कहनी है।
उसका लोकतंत्र में अंदर हमें बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने ये संविधान के द्वारा एक हमें प्रेरणा दी है, और ये हमारे हक के लिए, हम सभी भारतीयों के हक के लिए हम चाहेंगे सभी लोग, नगर के लोग बार बार हमारे लोग नगर के अंदर तमाम हज़ारों लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमारे लोग कमेंट कर रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, साथ का सहयोग दे रहे हैं, अपना मैसेज कर रहे हैं, और इस तरह इनके विरोध के बावजूद इस तरह कब्रिस्तान में पैसा आना शुरू हो गया, लोग मेंबर बन रहे हैं, उनको जानकारी नहीं थी, ये हमारे वहाँ इतना दखल भी नहीं दे सकते, जब ये अपने खुद के कर्बला में दखल नहीं दे पाए तो यहाँ चले आ रहे हैं दखल देने के लिए, इनको वहाँ से निकाल फेंक दिया गया है, वहाँ की कमेटी देख लीजिए इतना अच्छा काम किया है, जो कर्बला कमेटी सिया समुदाय के लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा काम किया, और मैं ताजियादार हूँ, मैं आज़ादार हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ, वो तो सुन्नी जमाती भाभी भी लगाते रहते हैं, मैं खुद स्वयं ताजियादार हूँ, ये पूरा जनपद जानता है, मुहर्रम कमेटी का अध्यक्ष भी हूँ, इससे बढ़ के क्या सबूत चाहिए, वो अलग अलग बातें करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो बार बार आपसे कह रहे हैं कि हमें यजीदों से डर नहीं है, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं, इसलिए यजीदों से डरने की हमको ज़रूरत नहीं है, आप सब लोगों से गुजारिश है कि इसमें बढ़ चढ़ के मदद करें, इनके खिलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेन कराएं।